अरे क्या हुआ भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या हुआ मॉम, क्यों रो रहे हो? राम मेरी चोटी किसने काटी? मेरी चोटी कट गई। अरे भगवान, तुम क्या कोई चुड़ैल हो जो तुम्हारी चोटी किसी ने काट ली? तुम तो चुप ही बैठो। जब मैं किटी पार्टी में जाया करती थी तो सब मेरे बाल देख के जला करते थे। आने तो। अरे भगवान, आप टेंशन मत लो, अपने घर की खेती है, वापस उग जाएगी। अरे मम्मी, मुझे तो लगता है कल रात में अपने घर में चोटी काटने वाली चुड़ैल आई थी, उसी ने आपका बाल काटा होगा। आई एम श्योर। कौन सी चुड़ैल बेटा? अरे मम्मी, हर न्यूज में ना चोटी काटने वाली चुड़ैल के बारे में बता रहे हैं। जिसके भी बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, वो चुड़ैल पहुंच जाती है और रात में ही काटती है वो बाल। अरे बेटा, सबकी बात अलग है और तेरी माँ की बात अलग है। अगर वो चुड़ैल बाल काटने से पहले तेरी माँ की शक्ल देख ली होती तो वो बाल नहीं काटती थी, वो अपने बाल देके जाती थी। अच्छा, अब मेरे में वो बात नहीं है ना जो कॉलेज के टाइम पे थी? हाँ, जब की बात अलग है, जब तुम बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, अब मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना, तो छोड़ दो ना मुझे। नहीं छोड़ सकता ना, अगर छोड़ दिया तो ये 15 करोड़ की फैक्ट्री और ये बंगला हाथ। क्या मुझे मारने का सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं, तुम रो मत, पुलिस को बुला के लाता हूँ, अब तो वही देखेगी किसने बाल काटा है। मॉम यार, आप रो मत यार, पुलिस के आने तक आपके बाल तो आई एम श्योर बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो मालूम है मुंबई पुलिस। ओह नो। Gapada pada 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 pada